देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि बात होती है कि बॉलीवुड में तीन चीजों की जरूरत है, तीन चीजों की। वो तीन चीजें हैं एंटरटेनमेंट। वैसे ही जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो तीन चीजों का जिक्र सबसे पहले आता है, सबसे पहले। वो है कास्ट, कास्ट एंड कास्ट। परेशानी की शुरुआत सियासत में कास्ट से होती है और इसका खत्म, या इसको मैं खात्मा कहूं तो वो भी कास्ट से। तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की चर्चाओं में तमाम राजनीतिक दल से जुड़े लोग कास्ट को डिसोन करते हैं। कहते हैं कास्ट से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं कास्ट, कोई मतलब। लेकिन आप कास्ट बेस्ड रैलीज देखें, आप कास्ट बेस्ड स्पीचेस देखें, आप कास्ट बेस्ड भाषण सुनें, ये सब चीजें आप सुनेंगे, ये सब चीजें आप देखेंगे। लेकिन दर्शकों, आज जो हम बात करने आए हैं वो शुरू कहीं से और खत्म कहीं पर जाकर हो रही है। इसमें कास्ट का मसाला है और धर्म का थोड़ा सा छिड़काव है स्वाद अनुसार। आज खुलकर बातें होंगी कि कौन सी कास्ट ज्यादा प्रभाव रखती है सियासत में और ऐसा क्यों है कि एक राजनीतिक दल को एक कास्ट के साथ जोड़ दिया जाता है वक्त वक्त पर। जैसा सुनने में आजकल बड़ा चर्चा में रहता है कि अब की बार किसकी सरकार, जब आप उत्तर प्रदेश की गलियों में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के आप गांवों में जाएंगे, पगडंडियों में जाएंगे, खंजड़ों में जाएंगे, तो आप सुनेंगे कि अब की बार फलानी जात की सरकार, अब की बार इस जात की सरकार और अब की बार उस जात की सरकार। लेकिन अब जब तमाम तरीके के आरोप पॉलिटिकल पार्टियों पर लगते रहे हो, तमाम तरह की बात कर रहा हूं, यहां पर स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 तक, 2022 से करंटली। तो अब मैं ये बात कर रहा हूं कि 2017 से 2022 के दरमियान तमाम ऐसे नेता रहे, विजय मिश्रा रहे, असदुद्दीन ओवैसी रहे और अभी अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऐसी कहा। उनको कहा गया कि ये तो दरअसल एक सरकार है, एक जाति, और वो जाति है ठाकुर जाति, तो ये ठाकुर जाति की सरकार है। तो क्या एक बार फिर 2022 से जो सरकार पेंट हुई है, क्या ये स्पेसिफिकली उसी जाति? इस पर सबसे पहले बात करें। सबसे पहले अब नेताओं पर आते हैं। तीन तरीके के नेता ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो तीन तरीके के नेता जो है वो हमको अमूमन देखने को मिलते हैं। एक आते हैं जो विकास का झंडा बुलंद करे हैं, एक आते हैं जो अपनी स्पेसिफिक पर्टिकुलर जात का झंडा बुलंद करे हैं, और एक आते हैं कि जो कि परिवार से, कि उनके पिताजी बड़े नेता थे और उनके चाचा जी कोई बड़े नेता थे। तो सबसे पहले जो है वो विकास की बात करते हैं। उनका जो मॉडल है स्पेसिफिक रूप से वो विकास का है। इसमें कौन नेता है आप खुद सोचिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले जो नेताजी आते हैं वो विकास की बात करते हैं, दूसरे जो नेताजी आते हैं वो जात की बात। अब जात वाले नेता आपको आजकल तो खुलकर दिखने लगे, खुलकर, और सामने भी आ गए खुलकर। सबसे पहले आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे जात की बात करते हैं कि हमारी जात के साथ ऐसा ऐसा फलाना हो गया। दूसरे आए संजय निषाद, आपने देखा होगा मल्ला केवट, बड़ा बड़ा बुरा हो रहा, तो वो भी अब सामने। उसके बाद आए रघुराज प्रताप सिंह, वो भी खुद मुंह से नहीं कहते लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं वो बताते हैं कि ठीक है इस फलाने जात। हालांकि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं वहां उनकी जो जात से उनको, जिनको उनको अटैच किया जाता है, उसके वोटर काफी कम हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को, जनसत्ता दल जो उनकी पार्टी है, उसको ज्यादातर यही वर्ग जो है पसंद करता है ज्यादातर। इसके बाद मैं बात करूं ओम प्रकाश राजभर, राजभरों का जितने भी राजभर जात से लोग हैं उनके नेता हैं स्वयंभू, खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड। तीसरे आते हैं परिवारवाद, इसके बारे में आप चर्चाओं में सुनते रहते हैं, इसलिए मेरा कोई बताने का ना मतलब है ना मैं बताना चाहता हूं। आपको पता है ये बात, मुझे पता है कि आपको पता है, तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा। विकास की जो बात करते हैं वो आपको पता है, परिवारवाद की जो नेता बात करते हैं वो आपको पता है, जाति की जो बात करते हैं उनके बारे में भी आप भरपूर जानते हैं, ए टू जेड जानते हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू अगेन एंड अगेन, तो ये आप जानते हैं। इसके बाद अब दूसरे ग्राफिक्स पर चलेंगे, 3070 दूसरा वाला, उसको चलाएंगे, उस पर दिखाएंगे कि ब्राह्मण विधायकों की संख्या इस बार कितनी रही। सबसे ज्यादा संख्या इस बार जो विधानसभा में है वो ब्राह्मण विधायकों की है,
52, उसके बाद है 52 के बाद जस्ट नेक्स्ट वो है ठाकुर विधायकों की संख्या 49, बीजेपी से 43 है, गौर करिएगा। इसके बाद कुर्मी विधायकों की संख्या कितनी है, तो 41 है बीजेपी के, उसमें से 27 है, सपा के 13 है, तो ये कुर्मी विधायकों की संख्या है। इसके बाद मुस्लिम विधायकों की संख्या बहुत गौर, और आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, 34, समाजवादी पार्टी से 34 के 34। इसके बाद जाटा विधायकों की संख्या कितनी है, तो बीजेपी की तरफ से 19 है, सपा से 10, कुल 29। इसके बाद पासी विधायक जो इनके भी अंडर आ जाते हैं, पासी विधायक जो है 29, बीजेपी से 18, सपा से 8 और जनसत्ता दल से 1। यादव विधायकों की संख्या है 27, बीजेपी से 3 और समाजवादी पार्टी से 24। अब आप सोच लीजिए कौन सी कास्ट बेस पॉलिटिक्स हो रही है। बनिया विधायकों की संख्या बीजेपी से 21, सपा से, यहां भी आप समझिए, यह आपको आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो विधायक बने हैं जाहिर सी बात है कि टिकट उसी वर्ग को ज्यादा मिला होगा। लोध विधायकों की संख्या जो है बीजेपी से 15 है और सपा से 3, पिछड़े वर्ग से है लोध विधायक, ठीक है। जाट विधायकों की संख्या भी ठीक ठाक है, 15 विधायक है, बीजेपी से 8 है और समाजवादी पार्टी से है 7। जाट विधायकों की संख्या, उत्तर प्रदेश की बात करें, निषाद केवट विधायकों की संख्या बीजेपी से 6, समाजवादी पार्टी से 2, कुल 8, ठीक है, समझते रहिएगा इन सब चीजों को, यह बहुत जरूरी है। कलवार सोनार विधायकों की संख्या है 7, बीजेपी से है 6 और समाजवादी पार्टी से है 1, इसको समझ। गुर्जर विधायकों की संख्या 7, बीजेपी से 5 और समाजवादी पार्टी से सिर्फ 2, ठीक है, ये गुर्जर विधायकों की संख्या। राजभर विधायकों की संख्या, ओम प्रकाश राजभर जिनका झंडा बुलंद करते हैं उनकी संख्या आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की है 1 और समाजवादी पार्टी की है 3। भूमियार विधायकों की संख्या 5, बीजेपी की है 4 और समाजवादी पार्टी की है 1, समझते रहिए इसको। तो कायस्थ विधायकों की संख्या 3 और 3 के 3 बीजेपी, ठीक है, समझते रहिए इसको, देखिए और समझिए अपने आप से। अब इसके बाद आते हैं वाल्मीकि विधायक, वाल्मीकि एक विधायक है और वो भी बीजेपी से है। तो ये आंकड़े आपको मैं बता रहा था कि किस तरीके से सिख विधायक और रह गए, एक सिख विधायक है जो कि बीजेपी से है, तो बीजेपी से एक सिख विधायक, तो एक बीजेपी से सिख विधायक आते हैं और बाकी आप फुल स्क्रीन पर ले लीजिएगा। तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो दरअसल ये है कि किस तरीके से जो विधायकों की आपको संख्या बताई वो ये बताएगा कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में आज भी सियासत जिन सीढ़ियों पर चढ़ रही है उन सीढ़ियों में सबसे ज्यादा मजबूत जो पाया है वो कौन सी जात का है, इसको आप समझिए। और योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि वो एक जात की राजनीति करते हैं, एक जात की वो सियासत करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डरते हैं, वो भी कई दफा बहुत से बयान देते हैं। देखिए, क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है, एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी क्या बयान देते हैं इसको आप समझ चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर पोलराइजेशन जो होता है, अब हम आ जाते हैं धर्म वाले एंगल पर। जात वाला एंगल आपको समझा दिया कि जात वाले एंगल में दरअसल क्या है, तो ये जात वाला जो एंगल है इसको समझिएगा। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूं और फिर हम सीधे पैकेज पर चलेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि पोलराइजेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसका सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी को होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर विद फैक्ट्स में बात करूं तो बीजेपी को होता है, बीजेपी को। लेकिन अभी कास्ट पर रहते हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स किस तरह से जा रही है और अगर समाजवादी पार्टी होती है तो किस जात की सरकार है यह क्यों कहा जाता है, और बीजेपी होती है तो किस जात की सरकार आने वाली है यह क्यों कहा जाता है, इसको समझने के लिए एक पैकेज हमारी टीम ने बनाया है। इस पैकेज को देखिएगा, फिर सीधे अगले स्टैंड पर आते हैं। पैकेज प्लीज। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ यूपी की गद्दी पर बैठ चुके हैं, लेकिन चुनाव में अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दबदबा ठाकुरवाद और यादववाद का देखने को मिलता है। मौजूदा समय में ठाकुरवाद और भी ज़्यादा मजबूती के साथ उभर के सामने आई है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री खुद ठाकुर बिरादरी से आते हैं। जी हाँ, तो जाहिर है कि यहाँ ठाकुरों का दबदबा ज़्यादा होगा। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यूपी में ठाकुरवाद अपने चरम पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 26% डीएम ठाकुर हैं, यानी योगी आदित्यनाथ की जाति से हैं। वह यूपी में कुल 75 जिले हैं, इनमें से 61 जिलों में बीएसपी और डीएम में से एक पद ठाकुर या ब्राह्मण का है। वही कई जगहों पर दोनों पदों पर इन्हीं जातियों से अफसर रहे। योगी 2.0 में जातिवाद समीकरण को साधने का काम किया। वही सभी जातियों को योगी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया गया है। योगी कैबिनेट में सबसे अधिक
20 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 8 दलित को मंत्री बनाया गया और 6 ठाकुर बिरादरी से हैं। वह यूपी के कुल 40% सवड़ है, वही 26% ठाकुरों के बाद सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण जिलाधिकारियों की है। यानी कि एसएसपी और एसपी की बात करें तो 75 में से 18 जिलों की कमान ठाकुरों के पास है और 18 ब्राह्मणों के पास। क्या ये बिना जातिवाद के संभव है कि यूपी में जनजातियों की आबादी कुल 10% भी है, वो 50% से ज्यादा प्रशासनिक पदों पर कब्जा करके बैठी है। योगी कैबिनेट में 7 ब्राह्मण शामिल हैं। डिप्टी सीएम बने ब्रजेश पाठक भी ब्राह्मण है। बता दें 2022 के यूपी चुनाव में कुल 52 ब्राह्मण विधानसभा में पहुंचे, इनमें से 46 ब्राह्मण विधायक बीजेपी गठबंधन से जीते। इसी तरह बीजेपी गठबंधन से 43 ठाकुर विधायक जीते, इनमें से 6 ठाकुर मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। वहीं अगर अखिलेश यादव के परिवारवाद और यादववाद की बात की जाए तो अखिलेश पर परिवारवाद और यादववाद को बढ़ावा देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। बता दें यूपी के मतदाताओं के बीच इस धारणा ने समाजवादी पार्टी को 2017 में काफी नुकसान पहुंचाया था और पार्टी सिर्फ 47 वोटों पर सिमट के रह गई थी। बीजेपी गठबंधन उस चुनाव में यादवों की लामबंदी के खिलाफ गैर यादव ओबीसी जातियों को एकजुट करने की रणनीति के लिए उतरा और 403 में से 325 सीटें जीतने में कामयाब रहा। वही 2017 के विधानसभा चुनाव और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वोटरों को इकट्ठा करने की रणनीति से मात मिली। लिहाजा 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने ऊपर लगाए गए परिवारवाद और यादववाद के ठप्पे को हटाने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी वे नाकामयाब साबित हुए। वही यूपी में यादवों का राजनीति में वर्चस्व तो है, लेकिन इसकी आबादी 10% है, लिहाजा बगैर गैर यादव ओबीसी वोटरों के साथ लिए पार्टी का जीतना मुश्किल था। वही राज्य में गैर ओबीसी वोटर 30% हैं। मुस्लिम वोटरों पर दाव नहीं खेला जा सकता क्योंकि इसमें बंटवारा होता है। बात 2017 की करें तो बीजेपी को यूपी में लगभग 40% वोट मिले थे, इनमें से 20% वोट सिर्फ गैर यादव ओबीसी जातियों के थे। ऐसे में अखिलेश यादव को 2024 के चुनावों के लिए गैर यादव ओबीसी वोटरों के वोट हासिल करने के लिए कोशिश तो करनी होगी, उनसे बेहद दूर होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार भी चुनाव में 2022 में दिखा दिया कि वो शायद किसी से कम नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि उनकी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी वो जीत से बहुत दूर थे। लेकिन अगर बात की जाए 1993 से 2012 तक, तो किसी भी पार्टी को ओबीसी वोटों का 50% से अधिक वोट नहीं मिला। ये वोट बैंक बिखरा हुआ था क्योंकि तमाम ओबीसी जातियों के वोटरों की आकांक्षाएं, जरूरतें और उम्मीदें अलग अलग थी। वही बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में इस वोट बैंक को इकट्ठा करने का काम किया और इसे उसका फायदा मिला है। वही गैर यादव ओबीसी वोटरों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास अभी भी है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे समझा जरूर है, लेकिन इस रणनीति को आजमाने के मामले में वो देरी कर चुके हैं, जो उन्हें माकूल नतीजे हासिल करने से रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चलिए, तो जाति की सियासत कैसे होती है ये तो आपने देख लिया कि कैसे किस तरह से जब चुनाव खत्म होते हैं तो कौन सी जात की सरकार बन गई, इसको लेकर कैसे किस तरीके से पूरी हवा, पूरा माहौल किस तरीके से पेंट हो जाता है, किस तरीके से। अब मैं कुछ और डेटा फिगर्स के साथ आपके सामने आता हूं कि आखिर पीएमओ में कितने लोग, जिसे एक पर्टिकुलर कास्ट की अगर हम बात करें, ठाकुरों की बात करें, कितने लोग सोचिए, आंकड़े को देखिए, सोचिए कितने लोग हैं, कभी सोचा है? नहीं सोचा, क्योंकि जितनी चीजें माहौल के थ्रू बताई जाती हैं उतनी ही चीजों पर काम किया जाता है, उतनी ही चीजों पर। ये गौर करने वाली बात, बहुत 1% पत्रकारिता, 1-4% गौर करने वाली, इन सब चीजों को भी देखिए। अब आता हूं मेन चीज पर, वो चीज भी समझना कई लोगों के लिए काफी है कि कैसे, इसके बाद मैं पोलराइजेशन पर आऊंगा कि किस तरीके से पोलराइजेशन बीजेपी को फायदा करता है, किस तरीके से असहिष्णुता ये मुसलमानों के लिए कितना बड़ा संकट पैदा करता है, कितना बड़ा संकट, इसको भी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीते कई सालों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जातियों के ठेकेदार एकदम से जन्म लेते,
और इनके ऑर्गेनाइजेशन के नेम्स भी काफी वेल नोन, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा, वैश्य महासभा, इस तरीके से। और इनका जो प्रेसिडेंट होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो धन संपन्न होता है, आर्थिक रूप से मजबूत होता है, शुरू से लेकर आखिरी तक होता है। और इनके पीछे चलने वाली भीड़, जात के नाम पर 1+1+1+1+ करने वाली भीड़, ना तो शुरू में ठीक होती ना दर्शकों बाद में, उनकी स्थिति एक समान नहीं रह जाती, एक समान। अब किसी व्यक्ति ने बनाई ब्राह्मण महासभा, उस व्यक्ति के पास, इसको सोचेगा ये पूरे मशीनरी काम कैसे करती है। अब कोई व्यक्ति ब्राह्मण महासभा बनाकर देता है तो वो एक बहुत बड़े वोट बैंक जिसमें ब्राह्मण आते हैं, उनका एक ठेकेदार है, और इसकी जो डीलिंग होती है विद पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो डीलिंग करते हैं वो इन्हीं सबसे बड़े प्रेसिडेंट्स के साथ करते हैं कि ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं ये, आइए चाय नाश्ता करिए, और ये बैठते हैं, इनके साथ होती है डीलिंग्स कि आपका वोट बैंक कितना है, तो इस वोट बैंक का इतना पैसा लगेगा, एक वोटर का इतना, मैं वोट आपको दिलवा दूंगा, एक पेट्रोल पंप, एक मंत्री पद, ये चीजें हैं हर महासभा के साथ, और इनके प्रेसिडेंट को मिलती है। ये आम ब्राह्मण को, आम कायस्थ को, आम ठाकुर को, आम बनिया को, आम मल्हार को नहीं मिलती, ये उसके प्रेसिडेंट को मिलेगी, एक पेट्रोल पंप, दो पेट्रोल पंप, मंत्री पद, राज्यमंत्री पद, और फिर जिस पार्टी के साथ सेटिंग फिक्स उसी के अगले दिन बुलाई जाती है महासभा, पूरी महासभा बुलाओ, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, वैश्य महासभा, बुलाई सारी महासभा, और बोला कि देखो उस पार्टी में अब कोई नित या हित अब नहीं रह गया, अब इस तरफ चलते। आपने देखा होगा बीते कुछ सालों में कि किस तरीके से बड़े बड़े नेता एक पार्टी का दामन छोड़ के चुनाव से महज कुछ चंद रोज पहले इस पार्टी में चले जाते हैं और एक ही तरह का वक्तव्य देते हैं कि उस पार्टी में अब हित नहीं, अब हित इस पार्टी में चलो। तो ये डीलिंग्स होती है, ये डीलिंग्स होती है, इन डीलिंग से बचना जरूरी है। और जब तक जाति के वोट बैंक में फंसकर लोग आते रहेंगे तब तक ये लोग इसी तरह से आपका नुकसान, आपका शोषण करते रहे, इसी तरह से सेम एज दैट सेम। अब आता हूं मैं अगले टॉपिक पर, यह है पोलराइजेशन। दर्शकों आज सुबह से ही कुशीनगर की एक घटना हर समाचार वेबसाइट पर सबसे टॉप पर है और कल सुबह आने वाले अखबारों पर भी आपको टॉप पर दिखेगी, लोकल संस्करण से अलग हटकर आपको टॉप पर दिखेगी और टीवी चैनलों पर भी आप देखिए। घटना यह है कि मुसलमान किस लेवल पर जाकर इंटॉलरेंट हो गया है, इसकी एक बानगी समझिए। कुशीनगर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाबर अली, बाबर अली, ये बीजेपी का समर्थक था, कोई प्रॉब्लम नो, बीजेपी जब जीती तो बता रहे हैं कि इसके जो पट्टीदार थे वो इससे नाराज हो गए क्योंकि ये समर्थक है और बीजेपी जीत गई। इसके बाद इसने मिठाई बांटती, मिठाई, उसके बाद क्या होना था, पट्टीदारों ने इसी की पीट पीट कर हत्या कर ली लड्डू बांटने के पीछे। ये पूरा मामला कहां है स्पेसिफिक रूप से ये भी आपको बताता हूं। ये पूरा जो मामला है ये कुशीनगर के रामकोला का है, कटघरी गांव का, कटघरही गांव का। तो सुबेदार अली के ये सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम बाबर अली था, तीन भाई थे, सबसे बड़े भाई की मौत हो चुकी है, दो भाई अलग अलग रहते हैं, इसका जो बड़ा भाई है वो मुंबई में सिलाई वलाई का काम करता है। बाबर अली जो था ये इसकी मुर्गे वगैरह की दुकान, इसके दो बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, 6 और 4 साल, एक घर में पत्नी है एक बूढ़ी माँ है। घर के अंदर की स्थिति आर्थिक रूप से बिल्कुल तंग है, बाहर से भी आप देखेंगे तो पूरी तंग नजर आएगी, लेकिन महज गलती इतनी थी बाबर अली की कि इसने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कर दिया कि जिससे तथाकथित रूप से इसका पूरा समाज उसके अगेंस्ट है, और मतलब ये इस लेवल तक अगेंस्ट है कि इनके समाज का अगर एक भी व्यक्ति इसको लांघता है तो उसकी हत्या हो, बताइए ये इस लेवल तक चीज जा चुकी है। तो अगर इसको रोका नहीं गया तो पोलराइजेशन इसी तरीके से होता गया और इसको बीजेपी वर्सेस मुस्लिम्स पेंट करते रहे, मुस्लिम्स इंपॉर्टेंटली, क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल एंटिटी है जो हाई लेवल पर इस टाइम वर्क कर रही है, लेकिन अगर मुस्लिम एक समाज के रूप में अगर इसी तरीके से लड़ता रहा और विश्वास बीजेपी अगर उनका नहीं जीत पाई और ये बीजेपी पर विश्वास नहीं कर पाए, अगर विश्वास का जो कांटा है ऊपर नीचे होता रहा तो नुकसान है, और आज की तारीख में मुसलमान का नुकसान है।
क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां वोट चाहती हैं, एट लास्ट पॉइंट, कहें कुछ भी, एट लास्ट पॉइंट वोट ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप एज अ कम्युनिटी, अगर इस तरीके से आप चिन्हित हो चुके हैं कि आप वोट देते ही नहीं, आप वोट देंगे ही नहीं, और कोई देगा तो उसको मार देंगे, तो फिर आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस चीज़ से। और एक बड़ा जो पॉलिटिकल बैंक है, जो वोट बैंक है, उस पर सीधा निशाना। और ये क्योंकि हिंदू मुस्लिम का बहुत जल्द रंग रूप ले लेता है, इसलिए यहां पर इस पोलराइजेशन से अत्यधिक बचने की आवश्यकता है, अत्यधिक। यही सारी चीजें थी। और पॉलिटिक्स में किस तरह से कास्ट जो है वो किस तरीके से रमती जा रही है, बसती जा रही है, किस तरीके से घर करती जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी तरफ ये जो पोलराइजेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन हो रहा है, ये कितना ज्यादा हार्मफुल है, ये भी समझना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है। तो आज के भारत एट नाइन में मैं आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि उस सरकार में किस जाति की सरकार दरअसल, और इस सरकार में किस जाति की सरकार दरअसल, ऐसा क्यों पेंट किया जाता है, और क्यों आखिर एक कास्ट को ज्यादा फोकस, ज्यादा फोरम मिलता है, और आखिर पोलराइजेशन जो है किस तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नुकसान कर सकता है, इसको समझाने की कोशिश की, एक विश्लेषण था। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी भारत एट नाइन में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ।